Standard 8, Unit 4, Exploring Poetry, Activity 1. Open your page number 35. Exploring Poetry. Page number. Activity 1. Read aloud and enjoy the poem life. जोर जोर से आपको read aloud यानी जोर से आपको ये read करनी है poem. Enjoy the poem life. और poem का नाम है life. ठीक है, life यानी जिंदगी, जीवन. What is life? Life क्या है? Life is a tree that grows well with love and care. Life क्या है? एक tree है जो अच्छी तरीके से grow करती है. अगर उसको क्या मिलना चाहिए? Love मिलना चाहिए, सबका प्यार मिलना चाहिए and care, और सबकी care भी मिलनी चाहिए. Life is a kite. Life क्या है? एक पतंग की तरह है. देखो picture भी दिया गया है kite का. Ready to fly, जो in the air, जो उड़ना चाहता है हवा में. Life is music. Life क्या है? Music है. If you know, अगर आपको कैसे ज़िंदगी जीनी है वो पता है, the notes to play, उसके अंदर जो notes है वो किस तरीके से आपको चलाने हैं वो पता हो, तो life एक music है. Life is a road with twists and turns. Life एक road की तरह है जिसमें बहुत सारे twists आते हैं, यानी कि turns आते हैं. On its way, उसके रास्ते में. What is life? Life क्या है? Life is what you make it your way. Life क्या है? कि आप जिस रास्ते पे चलोगे, जो रास्ता चुनोगे, वही आपकी ज़िंदगी है. आपको अपना रास्ता, what you make it your way, जो आप खुद अपना रास्ता बनाते हो, वही life है. By Saint Esther Samuel. ये poem किसने लिखी है? Saint by Mr. Esther Samuel. मिस एस्थर सैमुअल ने ये पोएम लिखी है. ठीक है, अभी आपको आपकी टेक्स्ट बुक ओपन, सॉरी वर्कबुक ओपन करनी है. वर्कबुक में जो है वो सॉल्व करेंगे हम. ठीक है, पेज नंबर आपको निकालना है 38 वर्कबुक का. यूनिट 4 में जो है ये पोएम के ही बारे में सब है. तो रीड द पोएम, एक्टिविटी 1 लाइफ. Read the following poem carefully and answer the questions given below it. अभी हमने जो समझी वही poem है और उसके question के answer है. ठीक है, questions. What is life compared with a? Why is life compared with a tree? Tree के साथ क्यों compare किया गया है life को? क्यों? तो पहले paragraph में है, the life is compared with a tree because like tree, life also needs love and care. ठीक है, life is a kite. How? Life कैसे? Kite है, तो life is like kite because kite continues go up in the air. जैसे चढ़ता ही जाता है ऊपर kite, like that our life is also process towards goals. वैसे ही हमारी जिंदगी है वो भी process towards goals, लक्ष्य की तरफ चलती रहती है. ठीक है, when can must music be interesting? Music कैसे interesting हो सकता है? तो music can be interesting if a person knows the notes to play. अगर उसको पता है कि किस तरीके से उसको उसके जो ट्यून्स है वो चलाने हैं तो म्यूजिक इंटरेस्टिंग होगा ना. इन व्हाट सेंस इज अवर लाइफ अ रोड विद ट्विस्ट एंड टर्न्स. किस तरीके से हमारी लाइफ है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स के रोड की तरह है. तो लाइफ हैज टू फेस मेनी अप्स एंड डाउन्स. हमारी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. इन द वे वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स. रास्ते में हमको बहुत सारी
प्रॉब्लम्स आती है, बट वन हैज टू गो फॉर्म, लेकिन हमको सबको डटे रहना पड़ता है, ठीक है। व्हाई हैज पोएटेस सेज लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, लाइफ को ऐसा क्यों कहा गया है कि लाइफ है वो आप खुद बनाओगे वैसी होगी। तो एवरी पर्सन हैज राइट टू लिव इन हिज ओन वे, क्योंकि सभी लोगों को खुद की तरह यानी कि अपने हिसाब से जीने की आजादी है ना, राइट है उसका। सो द पोएट सेज लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी एक्टिविटी वन है वो अच्छे से समझ के कंप्लीट कर लेनी है इन योर वर्कबुक विथ अ बॉल पेन, ओके। आगे हम बाद में समझेंगे टेक्स्ट बुक में से, ओके। डू योर वर्क रेगुलरली, डू योर वर्क नीटली एंड क्लीनली, और सारे वीडियोज आपको रोज देखने हैं, ओके।